आज हर किसी की लाइफ काफी बिजी हो गई है। भाग दौड़ वाली इस जिंदगी में लोगों के पास अपनी फैमिली के साथ दो वक्त आराम से गुजारने का समय तक नहीं हो पा रहा है। सप्ताह में एक दिन जो छुट्टी मिलती है वो भी बाहर से घर का सामान लाने में चला जाता है। लोगों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए आज ऑनलाइन बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर चीजें ऑनलाइन बिक रही है, लोगों द्वारा इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। यदि आप किसी नए बिजनेस शुरू करने की तलाश में है तो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिजनेस 2019 में काफी धूम मचाने वाला है। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर आप किसी भी छोटे बड़े शहर में शुरू कर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मंत्रा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा। बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। आज हम 2019 में धूम मचाने वाले ऑनलाइन बिजनेस के अंतर्गत ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह वीडियो इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। इसके पहले हमने 2019 में धूम मचाने वाले ऑनलाइन बिजनेस के अंतर्गत ऑनलाइन बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस तथा ऑनलाइन मैगजीन कैसे शुरू करें इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज ऑनलाइन का जमाना है, बिजनेस शुरू करने के लिए ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि आप 2019 में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भारत में फूड एंड ग्रोसरी मार्केट 500 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। अनुमान यह लगा जा रहा है कि 2020 तक ग्रोसरी मार्केट कई गुना बढ़ जाएगा। यह तस्वीर एक असाधारण अवसर दिखा रही है जिसके चलते तमाम बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में कमर कस रही है। इनमें अमेजन और वॉलमार्ट जैसे ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनियों के साथ रिलायंस, टाटा के अलावा ग्रोफर, बिग बास्केट अपना कदम जमाने की कोशिश में लग गई है। फ्रेंड्स, इसके पहले बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस पर दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, जिससे ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू करने का जो बिजनेस मॉडल हम बता रहे हैं यह कई तरह से आपके लिए फायदे वाला होगा। सबसे पहले बात, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा, मार्केट में शॉप लेने की आवश्यकता नहीं होगी, शॉप का डेकोरेशन भी नहीं करना पड़ेगा, इससे आपका काफी पैसा बच जाएगा। आप अपने घर के एक छोटे से हिस्से में कंप्यूटर और मोबाइल की सहायता से इसे कर सकते हैं। यदि आप हमारे बताए बातों को फॉलो करते हैं तो काफी कम पैसों में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू करने के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट तैयार करवाएं। वेबसाइट किसी प्रोफेशनल से तैयार करवाएं। उसका एक अच्छा सा डोमेन रखें। डोमेन में शहर का नाम जरूर जुड़े। अपने शहर का नाम हैशटैग के रूप में इस्तेमाल कर लाभ ले सकते हैं। वेबसाइट के साथ ऐप भी तैयार करवाएं। इससे आपको और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब बात आती है ग्रोसरी आइटम कहाँ से मिलेगा। अपने आसपास के कई बड़े होलसेलर से ग्रोसरी का थोक रेट ले, उसे नोट कर ले। मार्केट में रिटेल के रेट देखे, थोक और रिटेल में किस चीज पर कितना मार्जिन मिल रहा है उसके हिसाब से कुछ स्कीम बनाए। इन्हें अच्छे फोटोग्राफ्स के साथ वेबसाइट पर डिस्प्ले करें। इस बात का ध्यान रखें, ग्रोसरी आइटम के अनेक चीजों के दाम रोजाना बदलते रहते हैं, उन्हें वेबसाइट पर अपडेट करते रहें। ऑर्डर मिलने पर थोक दुकानदार से सामान खरीद कर लाए और कस्टमर तक पहुंचा दे। जब आपके द्वारा दुकानदार को अच्छा ऑर्डर मिलने लगेगा तो वह चीजों पर कमीशन भी बढ़ा देगा। ग्रोसरी आइटम के साथ आप फल, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट आदि भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए आप फल, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट वालों से बात कर ले। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाए वैसे वैसे अन्य सर्विस को भी साथ में जोड़ते जाए। धीरे धीरे यह शहर का एक बड़ा ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के लिए ऑर्डर पाने के लिए आपको इस पर समय देना होगा। इसकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी भी करनी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इसकी पब्लिसिटी करें। ऑनलाइन पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया पर भी ध्यान दें। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल पर बिजनेस पेज बनाएं। चीजों के रेट और स्कीम के बारे में पोस्ट पब्लिश करें। साथ में ग्रोसरी आइटम के अच्छे फोटोग्राफ भी पब्लिश करते रहे। सोशल मीडिया पर प्रमोशन के वक्त अपने शहर के नाम के आगे हैशटैग का इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप बिजनेस पर अपना ग्रुप बनाएं। गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ चीजों के रेट भेज दें।
भेजें। ऑफलाइन पब्लिसिटी के रूप में अपने शहर में पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, उस पर अपने वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दें। ऑन डोर सर्विस स्कीम और फ्री होम डिलीवरी को हाईलाइट करें। वेबसाइट का नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, फोन नंबर पब्लिश करें ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके। आप जहां रहते हैं उसके आसपास के पॉश कॉलोनी में जाएं, वहां डोर टू डोर जाकर अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के बारे में जानकारी दें, उन्हें अपनी खूबियों के बारे में बताएं, मंथली खरीदारी पर कुछ छूट दें। ऐसे में पब्लिसिटी के साथ साथ आपके स्टोर की मार्केटिंग भी हो जाएगी। पब्लिसिटी के लिए डिलीवरी बॉय को अपने वेबसाइट के नाम और लोगो वाली टी शर्ट पहनाए, टू व्हीलर या साइकिल पर छोटा सा बोर्ड लगवाए, बड़ी गाड़ी होने पर उसे अच्छे से प्रिंट करवाए, शहर में अपने परिचित के यहाँ छोटे बोर्ड लगवाए। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू कर रहे हैं तो पेशन रखें, कोई भी बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं होता, साल 6 महीने तो लग ही जाते हैं। इस बीच पब्लिसिटी और मार्केटिंग पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है 2019 में धूम मचाने वाले बिजनेस के अंतर्गत ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्र के साथ। गुड बाय, टेक केयर।